असहाब सितारे गन आका चन तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। असहाब सितारे गन आका चल तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। असहाब मुहम्मद दा गुलशन तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। असहाब सितारे गन आका चन तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। रब सोने जोड़ बनाए गन ठर ठर के नाल सवाए हैं। रब सोने जोड़ बनाए हैं ठर ठर के नाल सवाए गन। साई नाल गयारा दामस कर साई नाल गयारा दामस कर तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। असहाब सितारे गन आका चन तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। रब पाक सिहाबा तेरा जी रब पाक सिहाबा तेरा जी जित प्यार दी जिन्ना बाजी। रब पाक सिहाबा तेरा जी जित प्यार दी जिन्ना बाजी। गए वार नबी तो गए वार नबी तो तन मन दर तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। असहाब सितारे हैं आका चन तू मन ना मन कोई दौर ता नहीं। हम्दो सना दे तमाम मुबारक कलमात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते जिस जात ने तुहानू ते मैनू नमाज़े जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करो अल्लाह तुहाडा मेरा आना कबूल फरमाए। दरूदो सलाम पैगंबर कायनात आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते आला उबाला वास्ते। बख्शिशो मगफरत दियाँ दुआवां सहाबा इकराम वास्ते तबाइन वास्ते तबा तबाइन वास्ते और खसूस बिल खसूस दुआ करो साढ़े चो किसी दी वालद वालदा एक या दोवें दुनिया तो टुर गए अल्लाह साढ़े माँ बाप दी बख्शिशो मगफरत फरमाए। और मेरे नाल मेरे दोस्त कमालिये जो तशरीफ लियाए ने वालदा नूं स्टंट डलिया दुआ करो अल्लाह उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और साढ़े जो जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने अल्लाह साढ़े माँ बाप नूं सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। जिस तरह के पिछले जुमा वो एंड ते समझ आई सी कि जनाब मसीते रश हो जाता है तो फिर बंदे बाद चो आने वाले जिहड़े ने वह तंग हुंदे ने। आ मेरे हाथ खाली है सोटी भी मैं उत्थे रखती तो सारे साथी इधरले भी अगलिया सफा च आ जाओ। यकीन करो आ बाबे एडे चाण लगे बहिंदे ने ते जवान और पिछा बहिंदे भी बाद च मौलवी सलाम फेरे ते सब तो पहले ये जुत्ती नाल कप नहीं मिलना मौलवी दे नेड़े आया कप मिलना है अल्लाह दे कोलों। हिलो हिलो अल्लाह खैर करे हुणे हिलो अल्लाह खैर करे माशाल्लाह। फलक शेर भाई तुसीं अगे आओ। अल्लाह इस जवान दू जवानी च बरकत अता फरमाए। दाढ़ी भी सोहनी चेहरा भी सोहना अल्लाह ने मसलक भी सोहना दिता। हजराते जी वकाल बड़ी खुशी की बात है। दुआ करो अल्लाह इस खुशी दे नाल हर मोमेंट का सीना ठार देवे। कह दियो आमीन। जिस तरह सहाबा इकराम दी नमूस नमूसे सहाबा और नमूसे अहले बैत दा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक एजेंडा बिल पेश किया। वो अल्लाह पाक ने
हुसैन करने वालों भी हदायत दी, उन्होंने भी साइन कर दिते और इंशाल्लाह उसकी सजा का भी इंतखाब हो जाएगा कि जिहड़ा बंदा पाकिस्तान च रह के सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता उस बंदे का पाकिस्तान ते रहना बहुत मुश्किल गल है, उन्हें दुनिया ते भी रहना नहीं चाहिए। उदू दुनिया ते भी जेड़ा मेरे नबी दे हिसाब दा दुश्मन है वह साडा भी दुश्मन है, वह साडा भी दुश्मन है। तो जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान दा दुश्मन जे ना, अल्लाह की कसम जे जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा दे, अपना हर्ष भाई थोड़ी जी इको कट करो बस, जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा दी जिंदगी सहाबा दे अमाल ते इतराज करन वाला है वह हलाल दा हो ही नहीं सकता, वह हलाल दा नहीं जी हो सकता। क्योंकि अगर असी कुरान नू पढ़ना है ना जी, कुरान उतारन वाला कौन है, लेके आने वाला कौन है, जबरील अलैहिस्सलाम जिदे ते नाजल होया वह कौन है, ते जिन्ना ने सुनिया वह कौन है, वह मेरे नबी दे सहाबा ने। अगर अज कोई बंदा सहाबा ते इतराज करता है अल्लाह की कसम जे वह कुरान ते इतराज करता है, ते जेड़ा कुरान ते इतराज करने वाला है वह ईमान वाला, वह ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला वह है कि जेड़ा पहलों सहाबा नू मनेगा ते कुरान नू मनिया जाएगा। अगर सहाबा के अमाल ते इतराज करेगा, सहाबा ते इतराज करेगा, वह कभी भी ईमान वाला नहीं हो सकता। और हजरात सहाबा कौन ने, सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान जी उदा कुरान च तज़करा आया, वो मेरे नबी अली सलाम ने फरमाया सहाबा नू जेड़ा बुरा कवे यार इब्तदा च ते जा, सहाबा दे अमाल ते शक हो ही नहीं सकता। क्योंकि सहाबा इकराम मेरे नबी पाक अली सलाम दी हदीस सुनना जरा, अल्लाह दे नबी अली सलाम ने फरमाया कि रब दी जात ने दिलां दे विच झांक के वेखिया, दिलां च मारी झाती, मैं मफहूम बयान कर रहा, दिलां च मारी झाती जिदा दिल सब तो सोहना रब नूं लगा, अल्लाह पाक ने उन्हां नूं नबियां दा दर्जा अता फरमा दिता। किदा दर्जा, नबियां दा दर्जा अता फरमाया। अच्छा यार रसूल अल्लाह नबियां तो बाद पहले नबियां दे भी हवारी सन साथी सन, ते तुहाडे भी सहाबा ने फिर उन्हां दा की बनिया। हदीस दी अगली बात मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फिर रब ने नबियां तो बाद दिलां दे अंदर झांकी मारी, दिला दे अंदर वेखण वाला कौन है, अल्लाह मुहीतुन खबीर है, मेरा अल्लाह जानन वाला है किदे दिल च पाकी ते किदे दिल च पलीती है। जदों अल्लाह ने नबियां तो बाद झाती मारी ते नबी पाक अली सलाम ने फरमाया, रब ने जदों झाती मारी ते रब नू मेरे यार मेरे सहाबा सोने लगे, कौन सोने लगे, सहाबा। फिर कुरान ने इस बात की कसवटी बयान कर दी कि जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा दा मुनकर होएगा वो कुरान दा मुनकर होएगा। और मेरे नबी अली सलाम दे जेड़े सहाबा ने तुसी मैं रंजा साहब बड़ी तवज्जो नाल गुफ्तगू अज सुननी ताकि तुहानू पता लग जाए तुहाडे एरिए दे अंदर बड़ी बकवास कीती जांदी है, सहाबी कौन है। एक बंदा असी बच्चे नूं दाखल करवाने प्यो पुत्र की बांह फड़दा ते मदरसे दे अंदर दाखल करवाउंदा, बंदा मेहनत करे हाफज बन जांदा, क्यों जी, बंदा मेहनत करे हाफज बन जाए, मेहनत करे कारी बन जाए, मेहनत करे आलमे दीन बन जाए, मेहनत करे मुफक्कर बन जाए, मेहनत करे मुहाद्दिस बन जाए, मेहनत करे सहाबी बन जाए। सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी उदों ही बनेगा, तहज्जुद पढ़िया बंदा सहाबी नहीं बन सकता, नमाजा बहुतियां पढ़िया बंदा सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी ओ ही बनेगा जिन्हें ईमान की हालत रसूल अल्लाह नूं वेखिया होएगा। फिर तू ओ जी एक मिर्जा ओ खबीस लानती की ओदा ना जी जालम दा मिर्जा जेलमी ओ खबीस मेरे नबी दे सहाबा दे अमाल ते बहस करदा है, ओ लानतिया अमाल दे नाल बंदा सहाबी नहीं बनदा, सहाबी ओ बनदा है जिदे ते रब राजी होवे ते रब दा रसूल राजी होवे। हजरात
लोग बड़ियां बड़ियां राजा साहब नमाज़ा पढ़ते। नबी पाक अलैहि सलाम ते नमाज फर्ज कदों हुई? शबे शबे मेराज दी रात नूं अल्लाह पाक दे कोल गए ते रब ने 50 नमाज़ा, इस तफसील च नहीं जाना चाहता, नमाज़ा किन्नियां फर्ज होइयां? 5 नमाज़ा फर्ज होइयां। जदों नबी पाक अलैहि सलाम, बड़ी तवज्जो नाल गुफ्तगु सुननी, सुर बड़ी सुन ली तुसी, नमाज़ा फर्ज होइयां, नबी पाक जमीन से आए, पढ़निया शुरू कर दित्तियां। आ तुहाडे चो बड़ी गल समझनी, किसे दी उम्र 60 साल, किसे दी उम्र बाबा जी नजीर साहब 80 साल, 75 साल, 70 साल। जरा गौर करना कि नमाज़ा पढ़िया बंदा सहाबी, रोजे रखिया बंदा सहाबी नहीं बनता। गल नूं समझा दें, शबे मेराज दी रात नमाज़ा फर्ज होइया, नबी पाक अलैहि सलाम आए। एक साल बाद अल्लाह दे नबी पाक अलैहि सलाम ने कीती हिजरत। कित्थों कीती? मक्कियों हिजरत कीती ते मदीने आ गए। मदीने आके नबी पाक अलैहि सलाम रह 10 साल। किन्ने साल? 10 साल। एक साल रह मक्के नमाज फर्ज होण तो बाद। टोटल साल किन्ने बन गए? किन्ने बन गया जी? हाँ कह दो, 11वीं साबित हो गई। 11 साल बन गए। किन्ने बन गए? 11 साल। कमोबेश नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फर्ज नमाज़ा 5 पढ़िया। इतने कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल पढ़ी फिर यदा मतलब है जो नमाज़ा ज्यादा पढ़े फिर वह मुत्तकी वड्डा ओ नबी बन जाए? ना, नमाज़ा पढ़िया बंदा नबी नहीं बनता, नमाज़ा पढ़िया बंदा सहाबी नहीं जे बनता। निस्बते रसूल जो मिल जाए, नबी दा चेहरा मिल जाए, नाल कलमा मिल जाए, फिर बंदा। इस बात तो पता चलिया कि बहुतियां नमाज़ां दे नाल, अल्लाह दी कसम तुसी जिन्नियां नमाज़ां पढ़ लिया ना, 70-80 साल बाबा जी नज़ीर ने पढ़ियां, तुसी 60-70 साल पढ़ियां, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम नमाज पढ़ते हो। जरा सुन, मुकाम किन्नू आंदे ने? अल्लाह दे नबी एक बारी रुकू च जाके सुबहाना रब्बी अल अजीम कह दें, सुबहाना रब्बी अल अजीम दी सीन कली मेरे नबी ने मुंह चो निकले, तेरी 100 साल की नमाज एक पासे मेरे नबी दी सीन दा मुकाबला। ते फिर मेरे नबी पाक अली सलाम ने की फरमाया कि मेरे मेरे सहाबा नूं बुरा मत कहो, ओ खबीसो, ओ जालमो, ओ लानतियो, तुहाडे ते इंसानां दी भी लानत है। ते नबी पाक अली सलाम ने फरमाया जिहड़ा मेरे सहाब नूं, मेरे यारां नूं, मेरे सहाबा नूं बुरा कहिंदा है ना, ओहदे ते दुनिया वाले लानत भेजन ना भेजन, आसमान दे फरिश्ते भी लानता भेजदे, आसमान दे फरिश्ते भी लानता भेजते ने। मैं बात कर रहे हैं कि ज्यादा नमाजा तजता तबलीगा करन नाल बंदा सहाबी नहीं बनता। सहाबी ओ ही बनता जिदे ते रब दा फजल होवे ते नबी दा दीदार नसीब हो जाए, नबी दा दीदार नसीब हो जाए। इस वास्ते मेरे भाई, अज अगर कोई बकवास करता सी बड़े जनाब, सानू लोग बड़े हवाले दे, वो मिर्जा मुहम्मद अली जालम, इमाम तिबरसी ने किया, इमाम इबने कसीर ने किया, वो जालमा फैसला तुसी करना, सारे इमाम हक दे मान लो, सारे ने सही कह दिता, मगर ये गल्ला ने तारीखी, ये गल्ला केड़िया ने तारीखी गल्ला ने, सारे दी गल्ला नू मान लो, कुरान नू छड़ दियो, ईमान वाला बंदा रह सकता है? इहदा मतलब है कि रब दे कुरान ने जो कह दिता है वो की है? वो हक है, वो सच है। अगर तुसी किसे भी इमाम इबने कसीर नू, कारी सुदैस साहब नू, साजिद मीर साहब नू, हाफिज सईद नू, आजम तारक नू, अहमद लद्दवानवी दी गल नू छड़ दियो, साद रिज़वी दी गल नू छड़ दियो, खुदा दी कसम तू बेईमान नहीं होएगा। अगर रब दे कुरान छड़ेगा, रसूलुल्लाह दे फरमान नू छड़ेगा, तू ईमान तो खाली हो जाए। क्यों? अल्लाह दा कुरान जिन्ना दी शान बयान करदा है, आओ जरा गौर करना, आओ मुसलमानो जरा गौर कर दे जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन,
जेड़ा सहाबा नाल प्यार करन वाला जरा उची कह दियो। आओ मुसलमानो जरा गौर करना, ए जनाबे वाला अज जनाबे वाला अहले सुन्नत दा अकीदा किए ना, अहले सुन्नत अहले हदीस दा अकीदा किए ना, कि जेड़ा मेरे नबी नू मन्ने मेरे नबी दे असहाब नू ना मन्ने ओ ईमान वाला नहीं हो सकदा। जेड़ा जनाबे वाला मेरे नबी नू मन्ने नबी दी आल नू मन्ने नबी दे असहाब नू ना मन्ने ओ भी ईमान वाला नहीं हो सकदा। अहले सुन्नत दा अहले हदीस दा अकीदा किए ना, कि जदों जनाबे वाला मेरे नबी नू मनना है मेरे नबी दी बात नू भी मनना है मेरे नबी दी गल नू मनना है ते पूरे दिया पूरे मनना है ना। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाब नाल प्यार करया जे, ए जेड़े मेरे सहाबा ने इन्हां नू बुरा ना किया जे। जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा नू बुरा कहेगा वो खुद ते लानती खबीस हो सकदा है, पर मेरे नबी दे सहाबा दी शान दे अंदर कमी नहीं आ सकदी। नबी दे सहाबा दी शान दे अंदर क्यों? क्योंकि मेरे नबी दे असहाब नू बयान करन वाला कोई जनाबे वाला देवबंदी नहीं, मेरे नबी दे असहाब दी शान नू बयान करन वाला कोई जनाबे वाला अहले हदीस नहीं, मेरे नबी दी शान नू बयान करन वाला कोई जनाबे वाला परेलवी नहीं जे, मेरे नबी दी शान नू बयान करन वाला कोई शेखुल हदीस नहीं जे, मेरे नबी दी शान नू बयान करन वाला खुद रब्बे जुल जलाल खुद रब्बे जुल जला देना। अल्लाह दा कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन, अल्लाह दा कुरान फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। आओ जरा गौर करना इन लफ्ज़ा ते गौर कर लिए, उलाइका हिज़्बुल्लाह ए जनाबे वाला अल्लाह दी बात फरमाया सुभान अल्लाह दी, अल्लाह दी जात भी पाक, अल्लाह दी जात की अल्लाह दी जात भी पाक, अल्लाह दी जात अजीम, अल्लाह दी जात बड़ी आला है ना, ते मेरे रब दी जात भी आला, मेरे रब दी जात भी आला, मेरे रब दी जात दा इंतखाब भी सब तो आला, मेरे अल्लाह दी जात भी आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात भी आला, जिवें मेरे रब दी जात आला इवें मेरे रब्बुल आलमीन दी बात भी आला। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे जनाबे वाला पैगंबर कायनात आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उला इका हिज़्बुल्लाह अला इन हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी ऐ वजूहा दे चेहरे वाले आ वल्लैल दियां जुल्फा वाले आ माजाक दे कजले वाले आ अलम नशरा दे सीने वाले आ सोनिया महबूबा अर्ज कीती या रब्बे जलील हुक्म होया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जेड़े तेरे नाल ने ना नाल नबी पाक अली सलाम दे नाल कौन है? शेख अब्दुल कादर जिलानी मेनू नजर नहीं आए कुरान चो हदीस चो, अली खजवेरी रहमतुल्लाहे ताला ला मेनू नजर नहीं आए। जदों मैं जनाबे वाला अल्लाह दे नबी दे नाल यारां दे अंदर नजर मारी किते मेनू अबू बकर दा चेहरा नजर आया, किते उमर फारूक दा चेहरा नजर आया, किते उस्मान गनी दा चेहरा नजर आया, किते अली उल मुर्तजा दा चेहरा नजर आया, किते हसनैन करीम महम चेहरा नजर आया, किते जनाबे वाला मेनू हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दा चेहरा नजर आया। वो ज़ालिमा मैं तेरे को सवाल करदा, अज तू बकवास करदा है फलाने ये किया फलाने वो किया, जरा ए ते दसना ए जदों कुरान दियां आयतां उतरियां तेरा जनाबे वाला कोई राफजी मौजूद कोई नहीं, वो ज़ालिमा खबीसा तेरा कोई जाकर मौजूद कोई नहीं, जदों कुरान उतरिया मेरे नबी दे नाल जदों नजर मारियां ने किते अबू बकर नजर आया किते मेरे मुआविया नजर आया।
सलामती जाना है, अगर अपने ईमान की सलामती जाना है, अगर जन्नत के अंदर जाना जाना है, तो मेरे नबी दे सहाब दे नक्शे कदम ते चलना पवेगा, मेरे नबी दे सहाब नो मनना पवेगा, मेरे नबी दे सहाब की सीरत नो मनना पवेगा, क्योंकि अल्लाह दा कुरान फरमाया अल्लाह इन्ना हिज़्बल्लाहे हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ कायम कर दिता कि ये जड़ी मेरी जमात है मेरे नबी दे सहाबा ने ना, अल्लाह ने फरमाया ये मेरा गरोह है ना मेरी फौज है ना, जड़ा अल्लाह दी फौज ते हमला करेगा ओ खुदा दी कसम गली गली पिटदा रहेगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर साल पिटेगा, जड़ा रब दी फौज ते हमला करेगा रब उन्होंने उन्हां दे अपने हाथों चो जलील करा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया किते रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुमुल मुफ्लिहून, किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह दी फौज ना अल्लाह दा गरोह ना ए जेड़े मेरे नबी दे सहाबा ने ना। अज नाबे वाला किसे दियां गरंटियां देन वाला MPA, किसे दियां गरंटियां देन वाला MNA, किसे दियां गरंटियां देन वाला मौलवी, किसे दियां गरंटियां देन वाला वक्त दा वली, किसे दियां गरंटियां देन वाला वक्त दा पठान, मगर मैं कुर्बान जावा जदों मेरे नबी दे सहाब दियां वारियां आईयां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे नबी ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम तू भी आला तेरिया गल्ला भी आला, मगर मैं रब तेरे तो आला, ये जेड़े तेरे असहाब ने इन्हां दियां गवाइयां तू ते देनिया ही देनिया ने, मैं रब भी इन्हां दियां गवाइयां दे छड़ांगा, मैं अल्लाह भी इन्हां दियां गवाइयां देंगा। अल्लाह जी अल्लाह जी तुसी की गवाइयां दोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे नबी मैं तेरे ते कुरान नाजल करांगा, ते ऐसा कुरान नाजल करांगा ऐसियां गल्लां नाजल करांगा जेड़ा उन्हां नूं मन्नेगा ईमान वाला, जेड़ा नहीं मन्नेगा तुसी भी उंदा चाहुंदे हो ना मन्नण वालिआं च, वह बेईमान तो हो सकता वह कौन है, वह बेईमान है। अल्लाह का कुरान फरमाया फाइन आमनो बिमिथलीमा आमना तुम भी फका दिख दो फाइन तवल्लो फाइन माहुम फी शिका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर अगर वो उस जैसी चीज पर ईमान लाए जिस पर तुम ईमान लाए हो तो यकीनन हदायत पा जाओगे। इस जनाबे वाला तर्जमे का मफहूम की बनता है? कुरान तुहानू ते मैनू दसदा पिया है ना, अगर तुसी ईमान चाहते हो, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, अगर ईमान वाले बनना चाहते हो, तो अल्लाह जी सानू की करना पवेगा? अल्लाह जी सानू नबी दियां गल्लां मननियां पैणगियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुसी ईमान वाले बनना चाहते हो ना फाइन आमनू बिमिथलीमा आमन तुम भी, अगर तुसी ईमान वाले बनना चाहते हो ये जेड़े मेरे नबी दे यार अबू बकर उमर उस्मान ने, ये जेड़े मेरे नबी दे यार मुगीरा बिलाल ने, ये इन्हां दे नक्शे कदम तो चलोगे अल्लाह तुहानू ईमान वाला बना देगा। अल्लाह की बना देगा? ते इस बात तो पता चलिया जिहड़ा सहाबे मुहम्मद ते पौंकदा है कुत्ता ते हो सकदा है ईमान वाला नहीं हो सकदा है, ये कुरान दा फैसला है। हजरात मसाइब लोग की करते ने सानू असल च ना धोखा किस गल नाल दिता जांदा, लोग मसाइब बयान करदे ओए बड़ा जुल्म होया
तेरी जुबान छल हो जाए जालमा ओ खबीसा तू इस आर दे अंदर उन्हां दे उत्ते तानो तशनी कर मैं जिन्हां नूं मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने जन्नत दियां गारंटियां दित्तियां फतह मक्का तो पहले अल्लाह दे नबी अली सलाम ने जदों मीटिंग बुलाई नबी पाक अली सलाम ने फरमाया कि ऐ सहाबा जरा आओ मेरी गल सुनो आपां जिहड़ा ना जी उन्हें मिला करना इन्ना फतहना लका फतह मुबीना बड़ी लंबी बहस है मैं अपनी गल का मजमूआ लेवांगा अल्लाह दे नबी तू कौन है तेरी की औकात है तू कौन ना फतवे लाने वाला वो तेरी औकात की है अल्लाह दी कसम तेरी ते मेरी सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान दी औकात की है कि मेरे नबी दा यार मेरे नबी दा सहाबी मेरे नबी नु वेखण वाला मेरे नबी दा दीवाना मेरे नबी दे उठन बैठन चलन फिरन दा गवाह कौन है तू उहनां दा मुकाबला कर दे कि जेड़ा एक मुट्ठी जौ अल्लाह दी राह सदका और खैरात कर दे तू सारी जिंदगी कमा कमा के अरबा रुपया खर्च कर दे ओद पार तो वध सोना खर्च कर दे तू सहाबी दे मकाम नू ते फिर कादी बहस रह गई ओ खबीसा तेरी औकात की है ओ तेरी जुबान नू लगाम क्यों नहीं को डालदा अगर आज खुदा दी कसम ईमान वाले हो तुसी बैठे ईमान वाला हो नहीं कि जेड़ा पंजे नमाज़ा पढ़ छड़े ईमान वाला हो नहीं जेड़ा रमजान दे तीन रोजे रख छड़े ईमान वाला हो नहीं जेड़ा तहज्जुद वेले उठ के आके लमियां लमियां तस्बीहां मार छड़े ईमान वाला होए जेड़ा मेरे नबी दे यारां नूं मन्ने ते सियारां नाल प्यार भी करे और फिर कल्ला मन्ने नहीं जेड़ा मेरे नबी दे यारां दा दुश्मन है खुदा दी कसम जेड़ा ओदा यार होएगा वो भी ईमान वाला नहीं हो सकता ईमान वाला होए जेड़ा मेरे नबी दे दीवानियां नाल प्यार करे ते जेड़ा मेरे नबी दे दीवाने दा दुश्मन होए मेरे नबी दा यार ना होए खुदा दी कसम ओदे नाल ओदी दुश्मनी होए असी सलामा लेंदे फिरदे आ इहनू जनाब हां अगर तेनू नजर आउंदा है कि अल्लाह दे नसीबां च हदायत लिखी है या तेरी तबलीग ते अमल करन वाला है फिर उहदे नाल यारी भी ला फिर उहनू समझा कि सहाबे मुहम्मद ते भौंकिया ना कर अल्लाह दी कसम जिहड़ा सहाबे मुहम्मद ते नबी दे सहाबा ते तबर्राबाजी करदा है बकवास करदा है वो सिर्फ और सिर्फ जानदा कुत्ता हो सकदा है कदी भी मोमन ईमान वाला नहीं हो सकदा मैं बात कर रहा सा अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ने फैसला फरमाया है जी नबी पाक अली सलाम बैठे ने बिल्कुल सही सनद नाल बात करन लगा तू कौन होना फैसले करने वाला सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान दे उन्हां दे अमल इदां दे ओ चलिया अमलां दे नाल बंदा सहाबी सारे जागो अमलां दे नाल सहाबी नहीं बनदा ये निस्बत दा ताल्लुक है ये ते निस्बतां दीआं मुहब्बतां नहीं कि अल्लाह ने सहाबा इकराम अगर अल्लाह ने जदों झाती मारी सी ते रब दी नज़र तो तू ते मैं ओझल हो सकदे अल्लाह ने तो कुन फाया कुन क्या हर शह बन गई रब नू अल्लाह की जात नू शेख अब्दुल कादर जिलानी दी भुल सी अली हजवेरी दी भुल सी इमाम इब्ने कसीर दी सारे नू रब जानदा सी मगर सब तो ज्यादा प्यारे मेरे नबी दे असहाब रब नू लगे सहाबा ते रब दी नजर गई अल्लाह ने नबी दा सहाबी बना दिता नबी दी ज़ियारत करवा दिती तू कौन हुना ए फैसले करने वाला या तेनू इख्तियार किने दिता है कि तू मेरे नबी दे सहाब दे मुतल्लक बकवास करे नबी दे सहाबा दे अमाल ते बोले तेनू तेरी कोई औकात नहीं क्यों क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस आओ जरा गौर करना अल्लाह दे नबी हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह आ फरमाउंदे ने बिल्कुल सही सनद दे नाल ए जनाब बात बयान कीती है कि जदों मशवरा होया एक बीबी रुका लेके गई भाई यूनस याद आया वाकया कि एक बीबी रुका लेके गई कादा कि मक्के वालों नु मैं दस के आवा है कि मक्के वाले तैयार हो जाओ रसूलुल्लाह तुहाडे ते हमला करन लगे तवज्जो है गौर करो इन्हां गल्लां नु इन्हां नु दिमाग च पाओ वो साडा पंजाबियां दा एक मकूला एक कन चो सुनी जाओ ते दूजी चो ना मेरे भाई ये जिहड़ी मेरे नबी अली सलाम दी मुहब्बत और नबी दे असहाब दी मुहब्बत है ना इहदे तो बगैर गुजारा नहीं जी होना इहदे तो बगैर गुजारा नहीं होना दुनिया दी हर मुहब्बत छड़ दे
हर मोहब्बत तो दूर हो जा, मगर मेरे नबी अली सलाम दे साहब तो दूर ना हो। अगर नबी दे सहाबा तो दूर होएगा, जहन्नम दा ईंधन बन जाएगा, जहन्नम के अंदर साड़िया जाएगा, जन्नत के अंदर वो जाएगा जिहड़ा रब दे रसूल नाल और रसूल दे सहाबा नाल मुहब्बत करता होएगा, अहले बैत नाल मुहब्बत करता होएगा। आओ जरा तेरी मैं गल करना चाह रहा, अल्लाह के नबी अली सलाम ने हजरत अली नूं बुलाया, फरमाया अली इधर आई, हजरत अली आए जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह दे नबी हुक्म होवे, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फलां जगह ते, नबी पाक ने सारा एड्रेस दिता कि मैनू अल्लाह ने दसिया कि ओ फलानी जगह ते एक बीबी खड़ी है, ओदे कोल एक ढों छड़ के जरा सारे दसो की ओदे कोल एक रुका, अगे अगे आ जाओ जवान, अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, जरा अगलियां सफा मुकम्मल कर लो ताकि जेडे पिछों आउण उन्हां नूं तकलीफ ना होवे। अली ओ बीबी दे कोलो रुका लैके आ, अगर वो रुका मक्के दे अंदर पहुंच गया ना तो काम बड़ा खराब हो जाना है। ये बीबी इतला लैके गई तो जानते हो उस रुके नू लिखण वाला कौन, उस रुके नू लिखण वाला सहाबी रसूल रज़ी अल्लाहो ताला अन्हु। आओ जरा गौर करना, आओ मुसलमानों जरा गौर करना, इधरों जनाबे वाला हजरत अली नू अल्लाह दे नबी ने दसिया ऐ मेरे प्यारे अली जरा निकल जाओ ते जाके फलां जगह ते एक बीबी खड़ी है ना, उस बीबी नू पकड़ लो, ओदे कोल एक रुका है ना, ओदे कोल रुका लैओ नहीं तां काम बड़ा खराब हो जाएगा। आ जरा मुसलमाना कौन अली केड़े अली दियां गल्लां पिया करदा है, अगर अली दा ईमान पुछना है ते मेरे कोलो पुछ, अहले सुन्नत अहले हदीस तेनू दसेगा कि अली दी शान की है ना, अली दा मुकाम की है ना। इधरों जनाबे वाला हजरत अली चलदे चलदे जदो करीब चले गए, बीबी नू जाके जनाबे वाला पकड़िया, बीबी नू हजरत अली फरमाउन लगे नी बीबी अपने जनाबे वाला अपने के रुका गड़ देना, तेरे कोले को रुका है ना। बीबी कहन लगी मेरे को रुका कोई नहीं, बीबी दियां तलाशियां लै लईयां, बीबी दे कोलो कुछ नहीं निकलिया। इधरों जनाबे वाला हजरत अली नू सहाबा कहन लगे अली ए जड़ी बीबी है ना एदे कोल कोई चीज भी मौजूद नहीं, अली एदे कोल कोई रुका मौजूद नहीं, आ मुड़ चलिए। ओ कौन अली केड़े अली दियां गल्लां पिया करदा है, अली नो पढ़ना ही ते वजू करके पढ़िया कर, अगर अली नो पढ़ना ही ते मिंबर ते चढ़ के पढ़िया कर, अगर अली नो फोलना ही कुरान चो फोलिया कर, अगर अली नो पढ़ना ही ते नबी दी जुबान चो नबी दियां हदीसा चो पढ़िया करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत अली रजी अल्लाह को ताला अनको नो सहाबी कहन लगे ऐ अली एदे कोल कुछ नहीं आ चलिए। हजरत अली कहन लगे ना ना मेरे नबी ने फरमाया है ना, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि इस बीबी दे कोल रुकाए ओ मेरी जान ते जा सकदी है पर खाली नहीं जाना। मेरे नबी दी सारी कायनात दियां गल्लां सारी दुनिया दियां गल्लां गलत हो सकदियां ने पर रसूल अल्लाह दी बात गलत नहीं हो सकदी। बीबी ने कहन लगे अली पाक अगर तू रुका ना दिता मैं तेरे कपड़े ला देंगा तेनू सारी नू बोलांगा। इनी गल कीती बीबी ने रुका नबी पाक नू हजरत अली नू दे दिता, अली रुका लैके नबी पाक दे कोल आ गए। आ जरा जड़ी गल मैं तेनू समझाना चाहना वा, हजरत अली जदों नबी पाक दे कोल आ गए आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वा भी सुनिया, मेरी अम्मा भी तुआड़े तो कुर्बान हो जाए और मेरे बाबा भी तुआड़े तो कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह रुका ले आया वा, जो रुके नू जनाबे वाला फोलिया गया ते रुका लिखण वाले हजरत हातिम रजी अल्लाह को ताला अनको ने ना, जो हजरत हातिम नू पता चलिया कि नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल ओ ईमान वाले आजरा सुन कौन मेरे नबी दे सहाबा कौन मेरे नबी दे जान निसार, अज दा जालम जनाबे वाला उठ के तबर्रा बाजी पिया करदा है ना, किते बदरी सहाबा दे बारे बकवास करदा है, किते जनाबे वाला ओहद दे अंदर लड़न वाले अपनियां जाना कुर्बान करन वाले अपनियां जाना कुर्बान करन वाले सहाबा। ये कौन सहाबा ने जेड़े मेरे नबी दे इशारे ते अपनियां जाना दा नजर
शुक्राना पेश कर देंगे। ये कौन मेरे नबी दे सहाबा और जिन्हां दी शान दे अंदर बकवास पिया कर दाए ना, अज तू कहना जनाब केड़ी गल ना पे बाद आ जाएगा। ना ना मेरे वीरा जरा फोलिया कर, जरा हदीसा दियां किताबा पढ़िया कर, जेड़े मेरे नबी दे यार तेरे ते मेरे इमाम उलंबिया वल आउन वाला खंजर अपने अपने सीने ते लै लैंदे। अगर मेरे नबी वल तीर आउंदा किते मेरे नबी दा सहाबी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह को तालान को नबी पाक दी बारगाह चल कीती, अल्लाह दे नबी ने पहरेदार खड़ा कर दिता। ए मेरे नबी दे खैमे ते मेरे नबी दा यार खड़ा है ना, ए मेरे नबी दा सहाबी खड़ा है ना। सुन जरा कौन मेरे नबी दे सहाबा, अज तू कहना जनाबे वाला आपे हदायत आ जाएगी, आपे जनाबे वाला ये लोग समझ जाएंगे। अज तेरी गैरत ने तेनू जंजोड़िया नहीं, अज साडी गैरत मुर्दा हो गई, अज साडा ईमान कमजोर हो गया। कौन मेरे नबी दे सहाबा, हजरत तलहा नबी दे खैमे ते खड़े दे नाल इधरों जालमा ने तीर मारने शुरू कर दिते। ये तीर जनाबे वाला कमान चो निकलदा, कदी मेरे नबी दे यार तलहा मेरे नबी दे दीवाने तलहा दे मोढ़ियां ते वजदा, कदी तीर आउंदा मेरे नबी दे यार मेरे नबी दे प्यारे ए मेरे नबी दे जान निसार दे सीने ते वजदा, कदी तीर आउंदा ते पेट दे अंदर वजदा ते अंथड़ियां कट के रख देंदा। कौन मेरे नबी दे सहाबा वो जिन्हां ने अपनी जान दी परवाह नहीं कीती, अगर परवाह कीती है रसूल अल्लाह दी परवाह कीती है। कौन मेरे नबी दे सहाबा के जिन्हां ने अगर परवाह कीती है ना या रब दे कुरान दी परवाह कीती है या रसूल अल्लाह दी बात दी परवाह कीती है। अज तू सहाबा वास्ते खड़ा होण वास्ते तैयार नहीं होंदा, अज उन्हां सहाबा नाल प्यार नहीं पिया करदा। तू कहना केड़ी गल आपे समझ आएगा, ये गल मेरे नबी दे सहाबा भी कह सकते सन। अगर नबी पाक दी शाम दे अंदर पहुंचदे ने ना आपे रुक जाणगे। ना 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 मेरे नबी दे सहाबा दी तड़प ते जज्बा ए आना, अगर मेरे नबी दी शान दे अंदर अगर कोई गुस्ताखी करदा ए ना सहाबियत दी रात नूं उठ के सिर कलम कर देंदा। ओ केड़े सहाबा दी शान दियां गुस्ताखियां हो रहियां ने तू ते मैं खामोश आ ते दावा सी ए करदे आ असी नबी नाल प्यार करन वाले, असी नबी दे असहाब नाल प्यार करन वाले। ए केड़ा प्यार ए ना जिहदे अंदर तेनू जनाबे वाला जज्बा ही नहीं आ रहा। सुन जरा मेरे नबी दे सहाबा कौन सहाबा, इधरों हजरत ते तलहा खड़े ने ना, इधरों जनाबे वाला तीरां दियां बरसातां हो रहियां ने, हजरत ते तलहा दा सारा जिस्म लहू लुहान हो गया। आप जनाबे वाला जदों जिस्म ढंगाल होया ये जमीन ते गिर गए, जदों जमीन ते गिरे ने इधरों एक मेरे नबी दा यार आया, एक नबी दा दीवाना खैमे चो बाहर आया। आ करके सहाबी जख्मी नूं चुकिया ए ना ते चुक के जदों अंदर लै के जाण लगा ते सहाबीए रसूल कहण लगे ओ मेरे वीर मैनू अंदर लै के ना जाई, ओ मैनू अंदर लै के ना जाई। सहाबी सवाल करदा ए कि तेरे जिस्म ते बड़े तीर वज गए ने, ओ तेरा सारा जिस्म लहू लुहान हो गया ए, आ तेनू अंदर नबी पाक को लै चल दे आ। ते कहण लगा मेरे वीरा मैनू अंदर ना लैके जाई, इस वास्ते जिन्नी देर ये मेरे जिस्म च सावां पईयां चल दियां ने उन्नी देर मैं नबी दे तेरे दौलत दियां पहरेदारियां करांगा। इधरों जनाबे वाला सहाबी जख्मी कह रहे ने आ जिहड़ा जनाबे वाला खैमे दी आड़ लगी है ना, इंज कह लो ये जिहड़ा बांस लगा है ना इहदी आड़ दे नाल मैनू खड़िया कर दियो। इधरों सहाबीए रसूल ने चुकिया ये जख्मी सहाबी नूं चुक के आड़ दे नाल खड़ा कर दिता। ये मेरे नबी दे यार नूं जनाबे वाला अपने कदमां ते खड़िया भी नहीं होया जांदा, पर मेरे नबी तो जान निसार करन लई तैयार है ना। उठ मुसलमाना ओ जाग मुसलमाना, अपनी गैरत नूं जिंदा कर मुसलमाना। अज दा नौजवान जनाबे वाला किते अपना लीडर शाहरुख खान बनाई फिरदा है, अज दा नौजवान किते जनाबे वाला अपने गुलोकारा नूं लीडर बनाई फिरदा है, किते अज तू क्रिकेटरां नाल प्यार पिया करदा है, किते वज़ीर-ए-आज़मां नाल प्यार पिया करदा है,
ओ तेरी गैरत पीटी आई ते जाग जांदी है, तेरी गैरत नू लीक दीवारी जाग जांदी है, मगर मेरे नबी दे सहाबा वारी तेरी गैरत ने कदी तेनू जनाब नहीं उजाला कीता, कदी तेरे दिल दे अंदर ख्याल नहीं आया कि ओ सहाबा जेड़े अपना तन मन धन कुर्बान कर देंदे पर नबी दी इज्जत आंच ना आउण देंदे। हजरत तलहा नू जदों आड़ दे नाल खड़ा कर दिता, आप अपनियां लत्तां ते भी खड़े नहीं हो सकदे। इधरों जनाबे वाला तीरां दियां बरसातां होईयां, हजरत तलहा नू आ करके तीर वजा, आप जमीन ते गिर गए। अल्लाह दे नबी दे कोल सहाबा चले गए, जाके अर्ज करदे ने सोहणिया महबूबा ये जड़ा तलहा बार खड़ा है ना, सोने ओदे जिस्म च जान नहीं हो रही, ओदियां सावां ही कलियां पईयां चलदियां ने, सारा जिस्म खून दे नाल भर गया है ना। अल्लाह दे नबी जी मगर तलहा अंदर आउण वास्ते तैयार नहीं, इधरों मेरे पैगंबर दे कदम चले, अल्लाह दे नबी चलदे चलदे अपने सहाबी दे कोल आ गए, आ करके मैं कुर्बान जावां तलहा, ओ मैं कुर्बान जावां तेरी अजमत को, ओ मेरे नबी दे सहाबा मैं कुर्बान जावां तुहाडियां शाना तो, ओ मेरे नबी दे सहाबा मैं फिदा हो जावां तुहाडियां कुर्बानियां तो, ओ मेरे नबी दे सहाबा मैं तुहाडे एक एक कदम तो कुर्बान हो जावां, ओ मेरे नबी दे सहाबा मैं तुहाडे एक एक इशारे तो कुर्बान हो जावां। अल्लाह दे नबी आए ने आ करके सहाबी दे करीब बैठ गए, आ करके मेरे नबी पाक अली सलाम ने ऐ नबूवत वाले हथां दे नाल हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो आप दा सर उठाया, अपनी नबूवत वाली गोदी च रख लिया। ओ जरा मुसलमाना गौर कर, अपने ईमान नू जगा, अपनी गैरत नू जगा, उन्हां सहाबा ते अज लाण तान पिया करदाई, ए राफजी उन्हां दे बारे बकवास पिया करदाई जिन्हां दा सिर नबी दी झोली च हुंदा सी, ए राफजी अज उन्हां दे बारे बकवास पिया करदाई ओ जिन्हां दे सिर जनाब ए नबूवत वाले हथां दे अंदर हुंदा सी। इधरों जनाबे वाला हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो ए जदों सरे अनवर नबी दी झोली दे अंदर आया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी ओ मेरे आ जान निसारा ओ की हाल हो गया तेरा। अगो सहाबी अर्ज करदे ने सुनिया मैनू अपनी जान दियां फिकरा नहीं, अगर फिकरा ने ते तुहाडी जात दियां फिकरा ने, अगर मैनू फिकरा ने ते तुहाडी इज्जत दियां फिकरा ने। ओ सहाबा ने जिन्हां नू नबी दियां फिकरा, मगर अज तेनू ते मैनू नबी दे सहाबा दियां फिकरा मुक गईयां। आ जरा गौर कर, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने इंज करके जनाब हजरत तलहा दे जख्मां ते हाथ फेरिया, जदों हजरत तलहा दियां अखां ते हाथ फेरिया हजरत तलहा दियां अखां खुलियां ने, सामने चेहरा मुस्तफा दा ए। इधरों हजरत तलहा आखरी लम्हात पे चलदे ने, ओ सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा, ते सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा, तमन्ना गए इस दुनिया में कोई काम कर जाए, हो सके तो परच में सहाबा बुलंद कर जाए। ये कौन हजरत तलहा ने, ये जदों जनाबे वाला अखां खुलियां ने नबी दा दीदार हो गया। इधरों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मेरे नबी दे सहाबा ने कदी तेरे दिल च ख्याल आया, तेरे दिल दे अंदर या मेरे दिल च ये तड़प पैदा हुई है कि अल्लाह सोने जदों आखरी वेला होवे असी दुनिया तो जांदे होईए ते साडी जुबान ते सहाबा दी अजमत दे नारे हो, किदी अजमत दे नारे, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जिन्हां ने अपनी जान अपना माल अपनी औलाद अपना सारा कुछ इसे शायद ही फिक्र नहीं की थी, अगर फिक्र की थी है तो रसूलुल्लाह दी इज्जत और अजमत दी फिक्र की। मैं बात कर रहा था कि जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल की आ गया,
बोलो तो सही जेडे बाद थोड़ा जहा इधर इधर होते तीसरी बारी मैं कह लगा अथे कि बह जाते जिम्मे उ कोई पता नहीं कोई बहुत ही ठंडी हवा आ जे साथी है सामने बूहे च बैठे आ जाओ इधर आ जाओ अल्लाह खैर इस साइड से आ जाओ अगे अगे आ जाओ ताकि पिछों आने वाला तंग ना हो हजरत हातम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की कसम जदों नबी पाक अली सलाम दे कोल पैगाम आया अल्लाह के नबी अली सलाम की बारगाह के अंदर मेरे नबी अली सलाम के यार बैठे ने आओ जरा गौर करना मैं इब्तदा च गल की तू फैसला करने वाला कौन होना है फैसला करने वाला मेरा रब है फैसले करने वाला कौन है आओ मुसलमानों जरा गौर कर दे जाना इधरों हजरत हातम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनो पता लगा कि अल्लाह के नबी नू पता लग गया आप जनाबे वाला बड़ा चेहरा गमगीन ना आप अल्लाह के नबी की बारगाह गए ओ ईमान वाले आ सिद्धूपुरे च रहन वाले आ जरा गौर कर कौन सहाबा कौन मेरे नबी नू मनन वाले सहाबा कौन मेरे नबी दे जान निसार सहाबा अल्लाह दे नबी दी बारगाह च हजरत उमर खड़े ने हजरत उमर ने तलवार बार कढ़ लई अल्लाह दे नबी दी बारगाह च अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सोनिया महबूबा अगर तुसी हुक्म दियो मैं दा सर सन तो जुदा कर दिया अल्लाह दे नबी ने फरमाया उमर रुक जा रुक जा उमर हातम नू हाथ ना लाई उमर हाथ वल अख मैली करके ना वेखी अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ए मेरा सहाबी है ना उन्होंने अपनी गलती की माजरत कर ली मेरे नबी ने माँ फरमा दिता आ जरा सुन क्यों माँ फरमाया अज तो उस्माने गनी दी शान दे अंदर बकवास पिया करदा है ना कदी तू हजरत उमर दी शान दे अंदर कुत्तिया भौंकदा पिया है ना कदी मेरे नबी दे खलीफा अव्वल मेरे नबी दे यार मेरे नबी दा प्यारा ए मेरे नबी दा जान निसार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी शान दे अंदर भौंकदा है ना कदी अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शान दे अंदर बकवास पिया करदा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया उमर रुक जा रुक जा उमर अपनी तलवार नू नियाम दे अंदर डाल लाए जानदा है हातब कौन है अल्लाह दे नबी दी बारगाह चर्ज कीती अल्लाह दे नबी जानदा वा ए तुहानू मनन वाला तुहाडे नाल प्यार करन वाला तुहाडा सहाबी है ना मगर इन्हें अमल बड़ा गलत कर दिता है ना इन्हें बड़ी वड्डी गलती कर दिती है ना अल्लाह दे नबी ने ए फरमाया होएगा उमर फैसले करन वाला तू कौन अल्लाह दे नबी ने फरमाया उमर फैसले करन वाला तू कौन है ए जेड़ा हाथ बेना एदे बारे फैसला करन वाला अल्लाह इनू इज्जतां देन वाला मेरे नबी दे सहाबा जरा गूंज जाओ जाग जाओ ओ सुनियो बहावियो जाग जाओ अज अपनी गैरत नू जगा लो ये जेड़ा गुस्ताखे सहाबा ये मेरे नबी दे सहाबा दे बारे लानती बकवास करदा है ना इंशाल्लाह नू सजा भी मिलेगी और सजा भी ऐसी मिलेगी ना अज जनाबे वाला जेड़ा बिल मंजूर होया है ना अल्लाह मेरी जमात दी उस कायद दी उम्र बुलंद कर दे अल्लाह ओदियां इज्जतां नू वधा दे ओ जिने नमूसे सहाबा आपा वहले बैद दी सजा मंजूर करवाण दियां तैयारियां कर लईयां ए कौन मेरे नबी दे सहाबा मेरे नबी जनाबे वाला अल्लाह दी जात सहाबा नू इज्जतां देन वाला अल्लाह सहाबा दियां शानां बुलंद करन वाला सहाबा दियां शाना बुलंद करन वाला सहाबा दियां शाना बुलंद करन वाला अल्लाह सहाबा दा इंतखाब करन वाला अल्लाह सहाबा नू नबी दी बारगाह दे अंदर ले जाण वाला सहाबा नू नबी दी बारगाह दे अंदर ले जाण वाला अल्लाह सहाबा दी ज़ियारत करवाण वाला अल्लाह सहाबा नू नबी दी बारगाह दे अंदर लेके जाण वाला अल्लाह जदों बदर दी लड़ाई होई बदर दे अंदर सहाबा नू लेके जान वाला कौन है ते फिर शायर ने किड़ा खूब जुमला कह दिता अस्हाबे मुहम्मद पर कहो सुभान अल्लाह अस्हाबे मुहम्मद पर हम जान लौटाएंगे इंशाल्लाह कहो
आओ जी इंशाल्लाह। हारस मैं शेर पढ़ना है तो सारे ने हाथ बुलंद करना, तू कैमरा मारना, वो केड़ा इत्थे राफजी बैठा है। असहाबे मोहम्मद पर हम जान लौटाएंगे, असहाबे मोहम्मद पर हम जान लौटाएंगे, नामूसे सहाबा का परचम लहराएंगे, नामूसे सहाबा का परचम लहराएंगे, असहाबे मोहम्मद पर हम जान लौटाएंगे। बेचैन को दिल जब तो, बेचैन को दिल तब तो चैन मिलेगा यूं, बेचैन को दिल जब तो फिर चैन मिलेगा यूं, तो लबों पे सहाबा के जो तराने सजाएगा। असहाबे मोहम्मद पर हम जान लौटाएंगे, आका ने सहाबा को, आका ने सहाबा को जो रास्ता दिखाया है, आका ने सहाबा को जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर लोगों मंजिल तक जाएंगे, उस रास्ते पर लोगों मंजिल तक जाएंगे, नामूसे सहाबा का परचम लहराएंगे, नामूसे सहाबा का परचम लहराएंगे। और अल्लाह की कसम जेड़ा नबी दे असहाब नाल प्यार करेगा ओ ईमान वाला है, जेड़ा ये फैसला करे ना, ये फैसला करे कि जनाब नबी दे सहाबा फलां दी अमल ऐसे, फलां दी अमल ऐसे, उन्हूं सिर्फ इन्नी गल पूछ लेनी है कि क्या तू उदो जमया सै जो कुरान नाजल हो, नाजल होया कुरान, नाजल होया कुरान दे विच उन्हां दा रब ने जिक्र किया जेड़ा मेरे नबी दे नाल फिरदा रहा, मेरे नबी दे नाल फिरदा रहा। और आखरी बात करके इजाजत चाहवांगा, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उमर, उमर रुक जा, उमर अपनी तलवार नु अंदर कर ले, जानदा हातब कौन है? अल्लाह दे नबी ने फरमाया बदर दे अंदर जान वाला हातब है ना, ओ हद दे अंदर जान वाला हातब है ना, ते जेड़ा 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 बदर दे अंदर गया है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे पाक पैगंबर अली सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जरा सुन लो, ऐ नबियां दे ताजदार जरा सुन लो, जी रब्बे जुलजलाल की हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा बदर दे अंदर गया, जेड़ा बदर दे अंदर गया फैसला करने वाला कौन है? फैसला करने वाला अल्लाह है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा बदर दे अंदर चला गया वो जो मर्जी करदा रवे वो जन्नती है, है वो की है। अल्लाह दे नबी अली सलाम दी हदीस समात फरमाओ कि मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा बदर दे अंदर चला गया, जेड़ा बंदा ओहद दे अंदर चला गया, उस बंदे नू जन्म दी अग छू भी नहीं सकदी। दुआ करो अल्लाह तुहानू ते मैनू अमीरे मुआविया दा साथ जन्नत च नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ गो हां, जो कुछ बयान किया गया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।